गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन आर प्रीवियस लेसन हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 फिनिश की थी एंड टुडे वील बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 2.2. हियर वील बी डूइंग अ फर्स्ट टू क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक एंड बाकी नोटबुक में करेंगे. विद द टेक्स्ट बुक आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू यूज अ पेंसिल ओनली. ठीक है. एंड सिंस वी आर डूइंग दिस इन द टेक्स्ट बुक, प्लीज मेक श्योर वेन यू आर रिवाइजिंग फॉर योर एग्जाम्स और योर स्टडिंग टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन, डोंट मिस आउट ऑन दोज. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. विच ऑफ द ड्रॉइंग्स ए टू डी शो दीज फ्रैक्शंस. तो यहाँ पे क्या है, पहले हम देखते हैं कि अगर ये एक नॉर्मल सर्कल है डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, ठीक है, एंड टू पार्ट शेडेड है, तो इस शेडेड पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू बाय थ्री के फॉर्म में. ठीक है. तो दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास सिक्स. ये थोड़ा सा उसका एडवांस्ड वर्जन है. इसमें हमें फर्स्ट में क्या ढूंढना है, टू इंटू वन बाय फाइव. मतलब वन बाय फाइव पहले हम ढूंढते हैं कि कहाँ है. ये टू बाय थ्री है, दिस इज अगेन वन बाय टू, दिस इज वन बाय वन टू थ्री फोर. ठीक है. तो लेट्स फर्स्ट राइट, दिस इज टू बाय थ्री. ये है वन आउट ऑफ टू इज शेडेड. इनमें हर किसी में वन आउट ऑफ फोर शेडेड. यहाँ पे वन आउट ऑफ फाइव इज शेडेड. अब हमें बोला है कि दो वन आउट ऑफ फाइव चाहिए. यहाँ पे दो वन आउट ऑफ फाइव शेडेड है. सो दिस इज द वन, दिस इज ये इसकी वैल्यू है. नेक्स्ट दो वन अपॉन टू चाहिए. वन अपॉन टू दो यहाँ पे है. सो दिस इज टू इंटू वन अपॉन टू. नेक्स्ट थ्री इंटू टू अपॉन थ्री. टू अपॉन थ्री वाले ये हैं, कितने हैं ये, वन टू थ्री. सो दिस इज इक्वल टू थ्री इंटू टू बाय थ्री. लास्टली थ्री इंटू वन बाय फोर. ये थ्री वन बाय फोर है. सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ए टू सी दिया है और हमें बताना है विच ऑफ देम शो दीज. नाउ दिस इज वन बाय टू, सॉरी वन बाय थ्री. ठीक है. इसको भी वन बाय थ्री लिख सकते हैं. ये शेडेड रीजन कितना है, टू बाय थ्री. सो दिस इज वन बाय थ्री. वन बाय थ्री इज इक्वल टू टू बाय थ्री. और इसको क्या लिख सकते हैं, दो वन बाय थ्री है. सो टू इंटू वन बाय थ्री इज इक्वल टू टू बाय थ्री, विच इज दिस वन. ठीक है. सिमिलरली ये क्या है, वन टू थ्री फोर. फोर में से वन टू थ्री शेडेड है. तो थ्री बाय फोर, अगेन थ्री बाय फोर, अगेन थ्री बाय फोर इज इक्वल टू ये कितना है, वन टू थ्री. ये फोर बाय फोर है. फोर बाय फोर को हम क्या लिख सकते हैं, और फोर बाय फोर को हम वन लिख सकते हैं. इट इज अ होल. और ये कितना शेडेड है, वन आउट ऑफ फोर इज शेडेड. नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस इट कम्स एज वन टू थ्री. तीन थ्री बाय फोर्स हैं विच विल बी इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन बाय फोर और टू प्लस वन बाय फोर विच इज द ऑप्शन हियर. नाउ इन दिस वन, यहां पे इफ यू सी क्लियरली ये वाला शेडेड है, ये वाला शेडेड है और ये वाला शेडेड है और इसके ऊपर के थ्री शेडेड है. ठीक है. तो दिस इज वन इज शेडेड आउट ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव. सिमिलरली इसमें नीचे है लेकिन शेडेड एक ही है, इसमें भी यही है. और इसमें कितने शेडेड हैं, थ्री शेडेड हैं आउट ऑफ फाइव. अब इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, थ्री इंटू वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव विच इज दिस ऑप्शन ओवर हियर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, वील बी डूइंग इट इन आवर नोटबुक्स. Now question number 3 is something that we have done earlier also. Multiply and reduce to the lowest form and convert into no mixed fraction. ठीक है. मल्टीप्लाई करना है हमें फ्रैक्शन से जो भी नंबर्स हैं, उसके बाद हमें लोएस्ट फॉर्म में जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो कैंसिल आउट करने हैं एंड उन्हें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में.
ठीक है. सो द फर्स्ट वन आई हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइड, 7 into 3 इज 21 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वी नो 5 4 20 होता है, यहाँ पे कितना है 21, कितना कम हुआ 1. सो वी कन्वर्टेड दिस इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन. दिस इज 4 into 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 3, कन्वर्टिंग इट इनटू अ मिक्सड फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ बड़ा है नीचे छोटा है. 3 1s are 3 और बचा 1. हियर अगेन वी हैव एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 7 1s are 7, यहाँ 12 है. तो 7 1s are 7 हुआ, 7 माइनस अगर 12 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5. यू कैन डू इट वाइल डिविजन ऑल्सो, बट एट दिस स्टेज यू शुड बी एबल टू डू दिस मेंटली. ठीक है, दिस इज 10 बाय 9, कन्वर्टिंग इन टू मिक्स फ्रैक्शन. 9 1s are 9, रिमाइंडर इज 1. 80 and 5, 5 को अगर हम 80 से डिवाइड करेंगे, 5 1s are 5, 3 0, 6 30. ठीक है, तो 5 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. 1 and 16 इज द आंसर. हियर वी हैव 13 into 1 is 13 अपॉन 3. वी नो 3 4s are 12 और यहाँ 13 है, रिमाइंडर इज 1. सिमिलरली हमें यहाँ कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ था, सो वी कैन कैंसिल आउट. 5 1s are 5, 5 9s are 45, इसका आंसर 9. नाउ इन दिस वन हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वील रिड्यूस टू अ लोअर लोएस्ट फॉर्म. इवन नंबर्स हैं, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8. 2 2s are 4 अगेन, 2 1s are 2 एंड 2. दिस इज 6. सो आवर फाइनल आंसर ओवर हियर, रिड्यूसिंग इट इनटू द लोएस्ट फॉर्म. सो यू हैव डन द फर्स्ट पार्ट. ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में. नाउ दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग. क्या है इसमें, हमें शेड करना है हाफ ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स. ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 4, मतलब टोटल सर्कल्स इज इक्वल टू 12. ठीक है, उसमें करना है शेड हाफ ऑफ 12. कभी भी ऐसे ऑफ होता है, व्हाट डू वी डू, वी मल्टीप्लाई. पहले भी किया है हमने ये, दैट मीन्स वी हैव टू शेड 6 सर्कल्स. ठीक है, तो इसमें से 6 हम शेड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स. 1 2 3 1 2 3, दैट मीन्स सॉरी टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं 9. शेड कितना करना है हमें, 2/3 of 9. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 into 9. 3 3s are 9, अगेन हमें 3 into 2 is 6. तो हम 6 ट्राइंगल्स शेड कर देंगे. नाउ नेक्स्ट वन has squares in it. 3 by 5 of the squares in the box. कितने square है, 1 2 3 4 5, 5 and 3 15. Total squares 15. Shade कितने करने हैं, 3 by 5 of 15. 3 by 5 into 15. Common factor 5. 3 is a 15, 3 into 3 is 9. So we will shade 5 6 7 8 9 squares out of these. Now this one is even simpler. हमें सिर्फ find out करना है, जैसे इसमें हमने circle shade किया था, सिर्फ find out करना है half of 24 या 1/2 of 24 या 1/2 of 46, 2/3 of 18, 2/3 of 27. कैसे करेंगे, we'll multiply the fraction with the number. ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 of 24. Cancel out common factors. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Answer is 12. यहाँ पे 46 है. 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6. Answer comes as 23. यहाँ पे 2/3 है. 2/3 of 18 करना है. 3 6 are 18. ठीक है, 6 into 2 it gives us
ऐसे ही 27. नाउ डी पार्ट इज 4/5 ऑफ दीज टू नंबर्स, 4/5 ऑफ 20. कॉमन फैक्टर्स हमें पता है 5 4s are 20, दिस इज 4 into 4 विच इज 16. ठीक है, ऐसे ही हमने फाइंड आउट कर लिया है. टू क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी डन बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिपीटेशन है. अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप मेरे को यू कैन आस्क मी, बट दीज आर क्वाइट ईजी अदरवाइज. नाउ इसमें क्या है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन ऑलरेडी है, वील कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर. कैसे करते हैं, 5 5s are 25 प्लस 1 is 26/5. कोई यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स नहीं है, वील मल्टीप्लाई 26/3, 6 3s are 18, 3 2s are 6 and 7, 78/5. नाउ इफ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स्ड, अब मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर वही रहेगा. किससे हमने मल्टीप्लाई, क्वेश्चन इज 15, रिमाइंडर इज 3. दिस इज आर मिक्स फ्रैक्शन. सिमिलरली 7 into 2 1/4. अनदर थिंग स्टूडेंट्स, वेन यू राइट अ मिक्स फ्रैक्शन प्लीज मेक श्योर आप ये क्लियरली यहां पे लिखे. इसके साथ में न्यूमरेटर में ये वाला नंबर नहीं लिखना है, इससे थोड़ा नीचे लिखना है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में भी सिमिलरली हमें फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करने हैं 5/8 ऑफ दिस नंबर. तो 5/8 into 3, 5/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वील कन्वर्ट 6 3s are 18, 19 20 21 22 23. कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, 23 multiplied by 5, 115/8. 115 को जब हम 35, सो वी हैव आवर मिक्स फ्रैक्शन 8 multiplied by 14, रिमाइंडर इज 3. सो दिस इज आवर आंसर. Now, we have solved the first 7 questions of the exercise. Last 2 are word problems और हम ये questions अभी करेंगे. Word problem में क्या है, R&T, two names, Rosie and Tabassum are given in your textbook. मैंने यहाँ पे R&T ही लिखा है. Went for a picnic. They got a pizza of 200 grams. दो लोग गए एंड एक पिकनिक में उन्होंने 200 grams का एक पिज्जा लिया. R had 3/5 ऑफ इट. 3/5 को अगर हमें करना है तो एक पिज्जा सर्कल होता है, उसके हमें टोटल पार्ट्स कितने करने हैं, 5. उसमें से आर ने कितने खाए, 3 खा लिए. तो ये जो शेडेड पार्ट है ये किसने खा लिए, आर ने. ठीक है, और टी तबस्सुम ने बचा हुआ पिज्जा खाया. हाउ मच डिड टी ईट. अभी अगर आपको मैं ये रिप्रेजेंट डायग्राम से अगर आप देखो तो ये आप देख के ही बता सकते हो, बट दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम एंड हम दूसरे तरीके से भी लिखेंगे बिकॉज यहां पे हमें ग्राम्स में वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो टोटल वेट ऑफ पिज्जा कितना था, टोटल वेट क्वेश्चन में गिवन है 200 ग्राम्स. ओके, नाउ हाउ मच डिड रोजी ने 3/5 ऑफ पिज्जा खाया, मतलब 3/5 ऑफ 200 ग्राम्स उसने खाया. इसको अगर हम और सॉल्व करें तो हमें पता चल जाएगा वेट उतने उसने कितना खाया पिज्जा का, 5 4s are 20 and 0, 3 into 40, 3 4s are 12 and 0, मतलब रोजी ने आर ने 120 ग्राम्स खाया. नेक्स्ट वी राइट पिज्जा ईटन बाय तबस्सुम, दैट विल बी 200 minus 120 grams, मतलब टोटल
माइनस रोजीज शेयर, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट किया रोजी ने जितना खाया टोटल में से, जितना उसने खाया बचा हुआ उसकी दूसरी फ्रेंड ने खाया है, तो 200 माइनस 120 इज 80 ग्राम्स। सो फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा ईटन बाय तबस्सुम, अभी हमें पता है कि कितने ग्राम्स में खाया है और हमसे फ्रैक्शन पूछा है। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तबस्सुम ने जितना खाया है डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ पिज्जा, तो हमारे पास दोनों चीजें हैं 80 एंड टोटल वॉज 100। कैंसल आउट द जीरोज, नाउ 2 4 ज़ 8 एंड 2 5 ज़ सॉरी 2 4 ज़ 8 एंड 2 10 ज़ 20, अगेन 2 2 ज़ 4 एंड 2 5 ज़ 10, कैंसिल आउट किया, तो दिस इज दी फ्रैक्शन। टू अपॉन फाइव पिज्जा उसने खाया था, जो हमने यही देख के भी वी कुड हैव डन इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इज अ वर्ड प्रॉब्लम, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। जावेद एंड मुनीश वेंट फॉर अ टी पार्टी टू समीनाज प्लेस। यहाँ पे दो फ्रेंड्स थे, वो अपनी थर्ड फ्रेंड समीना के घर पे गए फॉर अ टी पार्टी। वहां पे एक ब्रिटानिया का केक सर्व हुआ, जिसमें आपने देखा होगा ऐसे पीसेस किए होते हैं केक के, ठीक है, तो उस पीस टोटल 24 पीस सर्व किए थे केक के खाने के लिए। उसमें से जावेद ने 2/6 ऑफ द टोटल टोटल केक खाया, समीना ने 1 out of 12 खाया एंड मुनीश ने 1 out of 4 खाया। हाउ मेनी पीसेस डिड ईच टेक? ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में लेट्स राइट कि हमारे पास ऑलरेडी क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, टोटल पीसेस ऑफ द केक इज 24। अब जावेद ने 2/6 ऑफ द पीसेस खाए, ठीक है, मतलब 2/6 इंटू कितने हैं पीसेस? 24, 6 4 ज़ 24, दिस इज 2 × 4, मतलब उसने 8 पीसेस खाए। अभी हमें जावेद का पता चल गया, बाकी दोनों का भी करेंगे हम। नेक्स्ट वन इज, अभी द थर्ड पर्सन इज मुनीश। मुनीश ने कितना खाया है? सॉरी समीना, सेकंड समीना 8, 1/12 ऑफ द पीसेस ऑफ केक, दैट इज 1/12 ऑफ कितने पीसेस हैं? 24, 12 2 ज़ 24, तो उसने 2 पीस खाए, ठीक है। नेक्स्ट मुनीश 8 1/4, वन फोर्थ ऑफ द पीसेस, 1/4 ऑफ 24, 4 6 ज़ 24, मतलब उसने 6 पीसेस खाए, ठीक है। अब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रिमेन्ड? अब सेकंड में क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रिमेन्ड, मतलब जो बच गया वो फ्रैक्शन में हमें रिप्रेजेंट करना है। इन्होंने पीसेस खा लिए, एक ने 8, एक ने 2, एक ने 6 आउट ऑफ 24 पीसेस, ठीक है, एंड हमें बोला है कि बचे हुए का हमें फ्रैक्शन ढूंढना है। कैसे करेंगे? जो रिमेनिंग पीसेस हैं डिवाइडेड बाय टोटल। अब हमें ये तो पता है किसने कितना खाया, लेकिन बचा कितना कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? हमें पता है टोटल 24 थे और इन्होंने इतने खाए, तो हम इन तीनों का पीसेस ऐड कर देंगे एंड वील सब्ट्रैक्ट इट विद द टोटल नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है। तो टोटल पीसेस कितने हैं? 24, उससे हम माइनस कर देंगे इन लोगों ने जितना जितना खाया है, 8 + 2 + 6, दिस इज 24 माइनस 8 + 2 इज 10, 16, 24 माइनस 16 इज 8, ठीक है। नाउ वील पुट इट इन दिस फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग केक इज इक्वल टू, ये है रिमेनिंग पीसेस, ठीक है, रिमेनिंग पीसेस बाय टोटल पीसेस, दैट इज 8 अपॉन
24, 8 3s are 24, so this is our answer. It is slightly long but very easy. With this we have completed exercise 2.2. अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज आस्क मी. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 2.3. थैंक यू.